बालाघाट जिले के लालबर्रा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगरिया के पंचायत भवन में ग्रामीणों ने SDM के नाम ज्ञापन सौंपा है। बालाघाट में गोंदिया राष्ट्रीय राजमार्ग 543 के निर्माण के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अधिग्रहण किए गए भूमि के किसानों के आधार कार्ड बैंक पासबुक की फोटो कॉपी जमा करने के लिए विभिन्न ग्रामों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लालबर्रा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगरिया के पंचायत भवन में शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर किसानों के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 543 में अधिग्रहण की भूमि की मुआवजा प्रक्रिया पर असंतोष जाहिर करते हुए आपत्ति पत्र उपस्थित अधिकारियों को सौंपा दिया है, जिसमें किसानों के द्वारा 1 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है। वहीं शासन पर कृषि व्यवसाय को खत्म करने का भी आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि हम सभी ग्राम पंचायत डोंगरिया के किसान हैं, हमारे खेतों से राष्ट्रीय राजमार्ग 543 का निर्माण होना है, जिसके लिए किसानों की भूमि का चिन्ह अंकन कर भू अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। क्योंकि 543 राजमार्ग जो हमारे खेतों से होकर जा रहा है, इसमें जो हमारे खेत के 2-3 भाग हो गए हैं जिसमें कि हमारे खेती करने में दिक्कत जा रही है। दूसरी चीज़ जो शासन के द्वारा हमें ज़मीन का जो मुआवजा दिया जा रहा है वह बाज़ार भाव से बहुत ही कम दिया जा रहा है। हमारे आसपास के बाज़ार भाव के रेट आज 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के हैं ज़मीन के प्रति एकड़। चूँकि हमें इससे बहुत ही कम 5-7 लाख रुपए के भाव से ही एकड़ प्रति हमें मुआवजा दिया जा रहा है, जिससे दिक्कत यह आ रही है कि आज हम 1 एकड़ का जो 5-7 लाख या 10 लाख रुपये हमें मिलेगा, इससे हम अन्यत्र जगह कृषि हेतु ज़मीन खरीदने में असमर्थ है, जिससे हमारी कृषि का काम खत्म हो रहा है, हमारा जीवन व्यापन का काम खत्म हो रहा है, जिससे हम सारे किसान लोग बर्बाद हो रहे हैं। हम शासन के साथ है, गवर्नमेंट के साथ है, विकास हम भी चाहते हैं, लेकिन हमारे खेतों का उचित मुआवजा मिले और हमारा खेत जो 3-4 भागों में बट रहा है उसकी भी समुचित व्यवस्था कर सरकार किसानों से बातचीत करे, हमारी समस्याओं पर ध्यान दे, अन्यथा हम सभी किसान लोग एकत्र होकर इसका विरोध करते हैं।